वेलकम बैक दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। चाहे आप प्राथमिक विद्यालय के सामान्य शिक्षक हो, चाहे उर्दू शिक्षक या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के किसी भी विषय के शिक्षक हो, हम सक्षमता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए पते पर भेजे जाते हैं। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम इस सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारे नोट्स आपकी सफलता के लिए पर्याप्त हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। रीजनिंग के प्रश्न किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, ट्रिक हम आपको समझाएंगे ताकि परीक्षा में अगर कोई प्रश्न पूछे जाए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर दें। आइए हम शुरू करते हैं आज की कक्षा की और सॉल्व करते हैं रीजनिंग के एक एक क्वेश्चन को और समझाते हैं आपको किस तरह से रीजनिंग के प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व करें। इसमें जो है दो लेटर दिया गया है एम और एन, इसे 13 और 14 लिखा गया है। एम गुने एन को 13 गुने 14 लिखा गया है, तो एफ गुने आर को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों अल्फाबेट में ए टू जेड आप बढ़ेंगे तो ए को आप पहला और जेड को 26 मानेंगे। इस प्रकार एम जो है 13वें पोजीशन पर है और इन 14वें पोजीशन पर है। यही क्रम हम देखते हैं एफ और आर में, तो एफ जो है 6ठे पोजीशन पर है और आर 18वें पोजीशन पर है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, 16 का 56 से क्या रिलेशन है? वही रिलेशन 32 का अगले अंक से होगा। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप। 16 का 56 से रिलेशन दे सकते हैं कि 16 को कितना से गुना करने पर 56 होता है, यही नियम इधर भी अप्लाई करेंगे, 32 को भी उतना से ही गुना कर देंगे। दूसरा तरीका यह है जो इससे आसान है, हम उसी विधि से बतलाएंगे ताकि परीक्षा में आपको आसानी हो। आप जो है 16 और 32 का रिलेशन देखेंगे, वही रिलेशन जो है 56 का अगले से पता करेंगे। 16 और 32 में रिलेशन यह है कि 16 का 2 गुना 32 होता है, आप 56 का 2 गुना कर देंगे, 56 का 2 गुना 112 सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षित का रक्षा करना से क्या संबंध है? वही निरापद का किससे संबंध होगा? सुरक्षित का मतलब होता है रक्षा करना, निरापद का मतलब होता है चौकसी करना। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 54, नीचे जो है बड़ा सा अक्षर दिखा हुआ है इंटरनेशनल, इसके पश्चात जो है चार ऑप्शन में कुछ शब्द लिखे हुए हैं और कहा गया है कि इन अक्षरों के प्रयोग से कौन सा शब्द है ये चारों में जिसे बनाया नहीं जा सकता। इसे सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप जो है इसके अल्फाबेट को देखेंगे, इसमें अवेलेबल है या नहीं। एलोन को देखेंगे तो इसमें ALONE सब अवेलेबल है। इसी प्रकार नोट को देखेंगे, इसमें NOTE चारों अल्फाबेट अवेलेबल है। अगला है ऑप्शन सी लेटर, LATER सब के सब अवेलेबल है। रेडियो को आप देखेंगे तो इसमें R है, A है, D आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा है। यानी इंटरनेशनल में जिन अक्षर का प्रयोग हुआ है, जिन लेटर का अल्फाबेट का प्रयोग हुआ है, उसके प्रयोग से आप रेडियो नहीं बना सकते। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55 है, नीचे जो विकल्प दिए गए हैं इसे सार्थक क्रम में सजाना है। सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इसे ही कहते हैं सार्थक क्रम। सबसे पहले चिकनी मिट्टी से ईंट बनता है, ईंट से दीवार बनता है, दीवार से कमरा बनता है, अंत में मकान बनता है। यानी इसे आप जब सजाएंगे तो 2 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 4, अंत में मकान बनता है, यानी ऑप्शन 3। सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, PRABA को कूट भाषा में 27595 लिखा गया है, तो THILAK को 36 84 51 लिखा गया है, तो भारती को क्या लिखेंगे?
इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है, आपको क्या लिखा गया है इसको नहीं देखना है, और क्या लिखना है इसको देखिए। इसमें बी है तो देखिए कि बी को क्या लिखा है, तो बी को नौ लिखा है। विकल्प में आपको नौ नजर आ रहा है, आप किसी और को तलाशिए। एच को क्या लिखा गया है, एच को जो है देख रहे हैं या छः लिखा गया है। नौ के बाद छः जो है केवल जो है सी में और ए में है। अब यही दोनों में से कोई एक सही होगा। अब हम देखते हैं अगले लेटर को क्या लिखा गया है। तीसरा लेटर ए है, ए को क्या लिखा गया है पी आर ए बी ए में। ए को आप देख पा रहे होंगे पांच लिखा गया है। आप देखिए तीसरे पोजीशन पर पांच कहाँ है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन ए में है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 57 है, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, पंक्ति में कितनी लड़कियां है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि हम जो है दोनों छोर से जोड़कर एक घटा देते हैं। 11 में 11 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, एक इसमें माइनस कर देंगे तो सही जवाब जो होगा वो 21 हो जाएगा, क्योंकि सुनीता का पोजीशन जो है ऊपर से भी 11वां, नीचे से भी 11वां, दाएं से भी 11वां, बाएं से भी 11वां, यानी हम सुनीता को दो बार काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए हम एक जो है घटाते हैं। इस तरह हम जो है प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और सही जवाब लाते हैं 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, आयु में सबसे बड़ी कौन है। सबसे बड़ी की तलाश कीजिए, आप एक एक करके सभी ऑप्शन को देखिए, सभी पंक्ति को देखिए और लिखिए। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, सोहन जो है सीता से आयु में बड़ा है। उसके बाद बारी आती है श्वेता दीप्ति से छोटी है। श्वेता जो है दीप्ति से छोटी है, हमने श्वेता और दीप्ति का भी रिलेशन जान गया, किंतु श्वेता जो है सीमा से बड़ी है। श्वेता को हमने सीमा से बड़ा दिखलाया, इस प्रकार दीप्ति सबसे बड़ी हो गई। सही जवाब आपको नजर आ रहा होगा ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां, नीचे से 26वां है, कुल कितने विद्यार्थी हैं पंक्ति में। हमने कहा था कि ऊपर वाला नीचे वाला दोनों को जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए। ऊपर का पोजीशन 7 है, नीचे का पोजीशन 26 है, एक घटा देंगे, 26 7 33 होता है, 33 में से एक जाएगा, 32 प्राप्त होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक परिवार घूमने निकलता है, पुत्री अपने पिता से आगे है, पुत्र अपनी माता से पीछे है और पिता से आगे, सबसे पीछे कौन है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। पुत्री जो है अपने पिता से आगे है, डॉटर फादर से आगे है। अगली पंक्ति है, पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था और पिता से आगे, यानी पुत्र जो है अपनी माता से पीछे है लेकिन पिता से आगे, यानी हम जो पुत्र और माता को लिखेंगे फादर से ऊपर लिखेंगे। पुत्र जो है अपनी माता से पीछे है और पिता से आगे है। आप देख पा रहे होंगे सबसे आगे माता है, फिर पुत्र है, फिर पुत्री है, अंत में पिता है। सबसे पीछे कौन है, सबसे पीछे पिता है। आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में जो है पैटर्न देखना है। 20 का 11 से क्या रिलेशन है, वही रिलेशन 102 का अगले से होगा। आप देखेंगे 20 का 11 से क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे कि 11 जो है 20 के आधे का एक अधिक है, यानी 20 का आधा 10 होता है, 10 में एक जोड़ेंगे तो 11 प्राप्त होगा। यही रिलेशन 102 का अगले से है, हम क्या करेंगे 102 में 2 से भाग दे देंगे, जो प्राप्त होगा उसमें एक जोड़ देंगे। 102 में 2 से भाग देने पर 51 आता है, इस 51 में हम एक ऐड करेंगे तो ये 52 आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन बी में नजर आ रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 62 है,
62 नंबर क्वेश्चन अल्फाबेटिक ऑर्डर के आधार पर सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर चार लेटर है, यहाँ पर चार लेटर है, इधर भी चार लेटर है, आपको चार लेटर फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करेंगे आप देखिए, सबसे पहला लेटर है बी, उसके बाद पहला लेटर है एन, यानी बी का एन से क्या रिलेशन है, बी जो है अल्फाबेट में दूसरा और एन जो है चौदहवा पोजीशन रखता है, यानी दो में 12 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, यानी 12 इंक्रीज कर रहा है। इधर भी आपको 12 इंक्रीज करना है, डी जो है चौथा है, इसमें 12 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, यानी अल्फाबेट में 16वां पोजीशन किसका होता है, पी का होता है। अगले लेटर को भी आप देख सकते हैं, यहाँ ऑप्शन में पी से शुरू होने वाला एक ही कॉम्बिनेशन है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रकार आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, इसमें जो है अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, यानी पिछले जो है पैटर्न के आधार पर आप नेक्स्ट डिजिट नेक्स्ट लेटर फाइंड करेंगे। इस अनुक्रम को सबसे पहले आप गौर से देखें, इसमें आपको अल्फाबेट का ऑर्डर देखना है अगला लेटर फाइंड करने के लिए। ए का पोजीशन एक होता है, जी का 7 होता है, एल का 12 होता है, पी का 16 होता है। एस का 19 होता है, अगला आपको फाइंड करना है। आप देख पा रहे होंगे कि एक में 6 ऐड करते हैं तो 7 आता है, उसमें 5 ऐड करते हैं तो 12 आता है, उसमें 4 ऐड करते हैं तो 16 आता है, उसमें 3 ऐड करते हैं तो 19 आता है, यानी हम कितना ऐड कर रहे हैं, पिछले से एक कम। अंत में हमने 3 ऐड किया है, अब हम 2 ऐड करेंगे, 19 में 2 ऐड करने पर 21 आएगा, यानी जो 21वां लेटर होता है अल्फाबेट का वो यू होता है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64 है 8, 25, 101, 506, काफी तेजी से बढ़ रहा है, मतलब है कि गुना हो रहा है। अगला जो है लेटर आपको फाइंड करना है, 8 को 3 से गुना करके 1 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 25 को 4 से गुना करके 1 जोड़ेंगे तो 101 आएगा, 101 को 5 से गुना करके 1 जोड़ेंगे तो 506 आएगा, यानी हम गुना कर रहे हैं फिर जोड़ रहे हैं। ऊपर में 3 से, उसके बाद 4 से, उसके बाद 5 से गुना किया, अब की बारी है 6 से गुना करके 1 जोड़ने की। आप 506 को 6 से गुना करें, उसमें 1 जोड़े, आपको प्राप्त होगा 3037, सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन डिफरेंट है 65 नंबर, इसमें एक श्रृंखला दी गई है, इस श्रृंखला में एक संख्या गलत है, बाकी सब अपनी जगह सही है, गलत कौन है उसको हमें पहचानना है। 65 नंबर क्वेश्चन में अगर आप श्रृंखला को गौर से देखते हैं तो 0 से 3 प्राप्त करने के लिए 3 जोड़ा गया है, 3 से 9 प्राप्त करने के लिए 3 से गुना किया गया है, यही क्रम आगे भी चलता है, 9 से 12 प्राप्त करने के लिए 3 जोड़ा गया है, 12 से 36 प्राप्त करने के लिए 3 से गुना किया गया है, आगे भी ऐसा ही है, 36 से 39 प्राप्त करने के लिए 3 जोड़ा गया है, यानी हमें जो है फिर 3 से गुना करना था, एक बार जोड़ना एक बार गुना करना, लेकिन 39 के बाद 3 से गुना करने के बजाय 3 जोड़ दिया गया है, यानी 42 जो है गलत अनुक्रम है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 3 × 27 के साथ हंसन 2, 3 × 9 = 11, हमें सही जवाब नहीं खोजना है बल्कि गलत ऑप्शन की पहचान करनी है, वो गलत ऑप्शन कौन है जो अपनी जगह गलत है, वो है 42, 42 जो है ये गलत है, यहाँ पर 117 होना चाहिए था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, 66 नंबर क्वेश्चन है जिसमें हांगकांग को कूट भाषा में इतना लिखा गया है, दिल्ली को इतना लिखा गया है, तो लंदन को उस कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। हमें देखना है लंदन को जो हमें प्राप्त करना है, इसमें जो लेटर आ रहा है हम उसी का कूट भाषा पिछले दिए गए संकेत में देखेंगे, बाकी की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लंदन में सबसे पहला एल आता है,
आप देख पा रहे होंगे दिल्ली में तीसरे पोजीशन पर एल है जिसे सिक्स लिखा गया है। ऑप्शन में सिक्स अवेलेबल है। अब हम तलाशते हैं ओ को। ओ जो है हांगकांग में दाईं ओर से तीसरे पोजीशन पर है जिसे टू लिखा गया है। सिक्स के बाद टू भी अवेलेबल है। अब हम तलाशते हैं एन को। एन जो है हांगकांग में दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, इसे तीन लिखा गया है। लंदन में तीसरे स्थान पर एन आता है, इसलिए ऑप्शन में तीसरे स्थान पर तीन आपको ऑप्शन ए में नजर आएगा, ऑप्शन सी में नजर आएगा, ऑप्शन डी में नजर आएगा। यानी बी जो है हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। इस तीनों में से हम सही की पहचान करते हैं। अब बारी आती है डी की। डी जो है दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, लेकिन हम दिल्ली में डी को देखते हैं तो ये पहला लेटर है जिसे आठ लिखा गया है। लंदन में डी का पोजीशन दाईं ओर से तीसरा है, इसलिए हम ऑप्शन में दाईं ओर से तीसरा तलाशते हैं जो आठ हो। ये केवल आपको ऑप्शन सी में नजर आ रहा है, दाईं ओर से तीसरा लेटर आठ है। इस प्रकार हमने पहचान लिया कि लंदन को कूट भाषा में 623823 लिखा जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है 67। दया का एक भाई जो है अनिल है। दया का भाई कौन है? अनिल है, ठीक है। दया चंद्रा का पुत्र है। दया जो है पुत्र किसका है? चंद्रा का। विमान चंद्रा के पिता हैं। विमान जो है वो चंद्रा के पिता हैं। रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगता है? चंद्रा जो हो गई विमान की बेटी है। जब ये बेटी है तो ये हो गया नाती या नतनी, जिसे पौत्र कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68 है। नीचे जो है चार विकल्प दिए गए हैं, इसे सार्थक क्रम में सजाना है। सार्थक क्रम में सजाने के लिए आप कहेंगे कि सबसे पहले हम ख्वाब देखते हैं, उस आधार पर हम योजना बनाते हैं, फिर हम अनुमान लगाते हैं कितना खर्च आएगा, फिर हम ऋण का व्यवस्था करते हैं, अंत में निर्माण करते हैं। सही जवाब जो आएगा ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। कूट भाषा में एम ओ एन के को 652 लिखा गया है, उसी कूट भाषा में 7692 किसके लिए होगा? एम ओ एन के को देखेंगे तो अल्फाबेट में इसका जो वास्तविक पोजीशन है एम का 13, ओ का 15, एन का 14, के का 11 है, जिसे 9 कम करके लिखा गया है। प्रत्येक में 9 कम करके लिखा गया है। हम यहाँ भी क्या करेंगे, 9 जोड़ करके लिखेंगे। 7 में 9 जोड़ेंगे 16 आएगा। 16वें नंबर पर होता है पी। बाकी को भी आप देख सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित विकल्पों में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। रिक्रिमिनेशन में जिस लेटर का प्रयोग हुआ है उसी लेटर को हमें इसमें तलाशना है। अगर सब के सब अवेलेबल हैं तो ठीक है, अन्यथा वो इस लेटर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आइए हम तलाशते हैं वह वर्ड कौन है। मैट्रोन MATRON ऊपर वाले में देखेंगे तो M अवेलेबल है, A अवेलेबल है, T अवेलेबल है, R अवेलेबल है, O अवेलेबल है, N अवेलेबल है, ये बन सकता है। कॉर्निया को आप देखें, C अवेलेबल है, O है, R है, N है, E है, A है, कॉर्निया भी बनाया जा सकता। नाइट्रेट को देखिए, इसमें N है, A है, T है, R है, A है, फिर T, दोबारा T आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है, केवल और केवल एक ही T है ऊपर में, यानी हम ऑप्शन सी को नहीं बना सकते। 70 नंबर क्वेश्चन है। यदि हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीला का अर्थ नीला, नीला का अर्थ नारंगी हो तो बताएं स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। आपको पूरा क्वेश्चन में उलझने की आवश्यकता नहीं है, आप बताएं स्वच्छ आकाश कैसा दिखता है। आप कहेंगे नीला, नीला को कहा गया है नारंगी, सही जवाब हो जाएगा नारंगी। क्वेश्चन नंबर 71 है। यदि पुस्तक को घड़ी कहेंगे, घड़ी को बैग कहेंगे, बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहेंगे तो पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे? पुस्तक ले जाने के लिए हम बैग का उपयोग करते हैं और बैग को शब्दकोश कहा गया है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी।
72 नंबर क्वेश्चन है, यदि पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधी को कौन पकड़ता है? अपराधी को पुलिस पकड़ता है, यहाँ पुलिस को शिक्षक कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 73 नंबर क्वेश्चन है, सीमा सुधीर की बहू है और रमेश की भाभी। मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई। सीमा और मोहन के बीच संबंध बताएं। सीमा जो है सुधीर की बहू है, सुधीर के बेटा की बीवी है। सुधीर का बेटा कौन है, आइए हम देखते हैं आगे। सीमा जो है रमेश की भाभी भी है, यानी रमेश की जो भाभी है वो इसका भाई हो गया। मोहन सुधीर का पुत्र है, मोहन कौन है, सुधीर का पुत्र है। और रमेश का अकेला भाई। सीमा और मोहन के बीच संबंध बताएं, यानी इस मोहन के बीच और सीमा के बीच क्या संबंध है पति पत्नी का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 74 है, रहीम सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर जाता है। रहीम जो है बिंदु ई से एफ तक जो है 5 किलोमीटर जाता है। एफ से वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है बिंदु जी पर, वहां से बाएं मुड़कर फिर 5 किलोमीटर चलता है कहाँ, बिंदु एच पर, फिर वो बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है बिंदु आई पर पहुंचता है। अब वो प्रारंभिक बिंदु यानी ई से आई की दूरी क्या है, ई से आई की दूरी जो है 6 में से 2 कम हो जाएगा यानी 4 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 75 है, यहाँ पर जो है 4-4 लेटर का कॉम्बिनेशन है, अगला कॉम्बिनेशन आपको खोजना है। ए से जेड तक जितने भी अल्फाबेट होते हैं, अगर हम पहला और अंतिम का कॉम्बिनेशन बनाएं, ए को जेड से, बी को वाई से, सी को एक्स से, डी को डब्लू से, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम आपको सॉल्व करके दिखलाते हैं। डी का जो कॉम्बिनेशन होगा पहला अंतिम का वो डब्लू होगा, ई का जो होगा बी होगा, ए का जेड होगा, डी का डब्लू होगा। यही कॉम्बिनेशन जो है इधर भी आपको खोजना है। एफ जो होता है 6th लेटर होता है, अंतिम से 6th कौन है, अंतिम से 6th होता है यू। 21वां लेटर जो होता है अंतिम से 6th होता है। और जी जो है पहला 7वां है, अंतिम से 7वां हो जाएगा टी। इस प्रकार सी को आप एक्स लिखेंगे और एफ को यू लिखेंगे, यू टी एक्स यू। यू टी एक्स यू आपको कहाँ नजर आ रहा है, देखिए ऑप्शन में ए में नजर आ रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 76 नंबर है, विजेत 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है। विजेत जो है 5 किलोमीटर साउथ की ओर गया, दाई ओर घूमता है और 3 किलोमीटर जाता है, फिर जो है दाई ओर घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है, यानी 5-5 किलोमीटर जो है चल लिया है, फिर बाई ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, 5 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर यानी 8 किलोमीटर दूर है। इसी तरह के एक और प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 77। मोहन 15 किलोमीटर उत्तर चलता है, मोहन नॉर्थ की ओर चल रहा है 15 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, वह किस दिशा में चल रहा है? इधर था उत्तर, बाएं मुड़ा तो पश्चिम हो गया, फिर बाएं मुड़ा तो दक्षिण हो गया। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सेम टाइप क्वेश्चन है 78। एक व्यक्ति जो है पश्चिम की ओर चलता है, पश्चिम की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, अंत में बाएं मुड़ता है, वह किस दिशा में चल रहा है? इधर था पश्चिम, इधर क्या हो जाएगा? आप अपने पश्चिम दिशा की ओर खड़े हो जाए, फिर देखें 90 डिग्री एंगल पर किस दिशा है, आपको प्राप्त होगा उत्तर। सही जवाब है ऑप्शन ए। आपके बाएं हाथ पश्चिम ओर है तो आपका मुंह उत्तर की ओर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, रजनीश अपने घर से निकलकर 100 मीटर चलता है ईस्ट की ओर, पूर्व की ओर, फिर वह दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, फिर वह
बाएं मुड़कर चलने लगता है। अभी भी वह पूर्व दिशा में ही जा रहा है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। एक दिन सूर्यास्त के समय ए बी आमने सामने खड़े थे। यदि बी की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही थी तो ए किस ओर मुंह करके खड़ा था? बी की परछाई जो है बाईं ओर बन रही थी, कहने का मतलब यह है कि सूरज पश्चिम में था और बाईं ओर परछाई तब बनेगा जब आपका मुंह दक्षिण की ओर होगा। जब बी का मुंह दक्षिण की ओर है तो उसके सामने ए है, ए का मुंह किधर रहेगा? उत्तर की ओर रहेगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। पी टी का पिता है, टी एम की पुत्री है, एम के की पुत्री है, पी का के से क्या संबंध है? ये ब्लड रिलेशन वाले को इस तरह सॉल्व करेंगे, पी जो है टी का कौन है? पिता है। टी जो है एम की पुत्री है और एम के की पुत्री है। सबसे पहले टी को हम एम की पुत्री कहते हैं, फिर एम को हम के की पुत्री कहते हैं। टी का के से क्या संबंध है? टी का के से क्या संबंध है? तो टी और एम में पति पत्नी का रिलेशन है, तो पी का के से संबंध हो जाएगा ससुर दामाद का, सास दामाद का। पी जो है दामाद है के का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 82 नंबर क्वेश्चन है, ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है, बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है? क्वेश्चन को आप गौर से पढ़ेंगे तो ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है, यानी ए की माता जो है बी की बहन है। ए की माता बी की बहन है, तो ए जो है बी का कौन हो जाएगा? मामा भांजा का रिलेशन होगा। बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है? मामा भांजा, मामानी भांजा, यानी ए जो है हर हाल में कौन है? भांजा है, और बी कौन है? मामी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। यदि परसों सोमवार था तो परसों कौन सा दिन होगा? एक है पास्ट टेंस, दूसरा है फ्यूचर टेंस। परसों सोमवार था तो आज कौन सा दिन है? आज बुधवार है। और परसों कौन सा दिन होगा, यानी कल के बाद परसों? गुरुवार के बाद शुक्रवार आएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 84 है, SIR को PSPIPR लिखा गया है, यानी SIR अपनी जगह है, हर लेटर से पहले P ऐड कर दिया गया है। MAN को कैसे लिखेंगे? MAN अपनी जगह रहेगा, लेकिन हम P एक्स्ट्रा तीनों में ऐड कर देंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी। यदि टेबल को GZYOV लिखा जाए तो जूस को कैसे लिखेंगे? अल्फाबेट में पहले और अंतिम का कॉम्बिनेशन के आधार पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी और टी पहला और अंतिम का कॉम्बिनेशन है, ए और जेड पहला और अंतिम का कॉम्बिनेशन है, बी और वाई पहला और अंतिम का कॉम्बिनेशन है। इसी प्रकार इधर भी आपको जो है कॉम्बिनेशन तय करना है। जूस में जे का कॉम्बिनेशन क्यों होगा? यू का एफ होगा, आई का आर होगा, सी का एक्स होगा, ई का जो होगा वी होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे चार और शब्द दिए गए हैं, उनमें से उस शब्द को पहचानिए जो इस अक्षर से नहीं बनाया जा सकता। सप्लीमेंट्री में जिन अक्षर का प्रयोग हुआ है उनसे इनमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? एंट्री में ENTRY इसमें अवेलेबल है, PERLESY ये भी ऊपर में अवेलेबल है। उसके बाद बारी आती है तीसरे ऑप्शन की, EMENSTRU। ऑप्शन जो है ये भी सही है। अब हम देखते हैं चौथे ऑप्शन को ये बनाया जा सकता है या नहीं, ELEMENT। इसमें जो है तीन ई है, सबसे पहले ई देखा, एल देखा, ई देखा, एम भी अवेलेबल है, लेकिन तीसरा ई नॉट अवेलेबल है। सप्लीमेंट्री में केवल और केवल दो ई है, एलिमेंट में तीन ई है, यानी एलिमेंट नहीं बनाया जा सकता। सही जवाब है ऑप्शन डी। नीचे दिए गए विकल्प में विषम पद को चुनिए, चारों लेटर का जो आपसी कॉम्बिनेशन है इसमें एक जो है विषम है, ए जेड बी वाई
पहला और अंतिम का कॉम्बिनेशन है, डी डब्ल्यू ई वी पहला और अंतिम का कॉम्बिनेशन है, एफ यू जी टी पहला और अंतिम का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ए के बी एस ये अलग ही दिखता है, पहला और अंतिम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए था। सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। निम्नलिखित प्रश्नों में नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए जो अगले अनुक्रम को पूरा कर दे। इस दोनों के कॉम्बिनेशन के आधार पर हम इस दोनों का कॉम्बिनेशन तय करेंगे और खाली जगह को भरेंगे। इसमें जो पहला और अंतिम का कॉम्बिनेशन है, इसमें डी और डब्ल्यू का कॉम्बिनेशन, एफ और यू का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो पहला और अंतिम का कॉम्बिनेशन है, यानी डी का जो कॉम्बिनेशन होगा सेकंड लेटर से होगा, आई का कॉम्बिनेशन फर्स्ट लेटर से होगा, जी टी होता है और आई आर होता है पहला और अंतिम के कॉम्बिनेशन के आधार पर, यानी आर टी सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। इसी प्रकार 89 को आप सॉल्व करेंगे। 45 81 का कॉम्बिनेशन को देखिए और 67 अगले का कॉम्बिनेशन तलाशिए। 45 में दो अंक है 5 और 4, जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 6 और 7, 67 में दो अंक है 6 और 7, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 प्राप्त होता है जो ऑप्शन डी में है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 90 है, बी सी का एफ से क्या कॉम्बिनेशन है। बी जो है अल्फाबेट में दूसरे पोजीशन पर है, सी तीसरे पोजीशन पर है। बी और सी का जो पोजीशन है उसको आपस में गुना करते हैं तो 6 आता है, यानी एफ का पोजीशन 6 है। यही जो है डी और ई में भी तलाशना है। डी होता है 4, ई होता है 5। 5 और 4 को जब गुना करेंगे तो 20 आएगा। अल्फाबेट में 20वां लेटर कौन होता है, आप कहेंगे टी होता है। सही जवाब आपको नजर आ रहा होगा ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है मेंसुरेशन, इसमें प्रयोग हुए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आप देखेंगे ए एन टी ई आर आई ओ इसमें अवेलेबल है, आर आई एन ई एस यू एम भी अवेलेबल है, ऑप्शन सी भी अवेलेबल है, लेकिन डी जो है अवेलेबल नहीं है। इसमें एस है, एम है, ए है, लेकिन जी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, जो एस एम ए जी एम एन में होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी को बनाना संभव नहीं है। 92 नंबर क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन में विषम को खोजना है, स्पीड पोस्ट लेटर मनी ऑर्डर एसएमएस, ये सभी सब संचार के साधन हैं, अपनी बात यहाँ से वहाँ पहुँचाई जाती है, सामान पहुँचाए जाते हैं, कुछ भेजे जाते हैं, लेकिन ये सब जो होते हैं तार संचार होते हैं, आदमी द्वारा यहाँ से वहाँ पहुँचाए जाते हैं। एसएमएस जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है जो बाकी तीनों से अलग है। 93 नंबर क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिया गया है, चारों पर जब आप गौर करेंगे तो एक विषम होगा। यहाँ विषम को देखने का तरीका ये है कि 54, 87 और 96 ये सब भाज संख्या है, किसी ना किसी अंक से कट जाते हैं, लेकिन 79 एक अभाज्य संख्या है जो अपने और एक को छोड़कर किसी और से नहीं कट रहा है, यानी भाज्य संख्या के बीच में एक अभाज्य संख्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, नीचे दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनना है, मकान, त्वचा, गुर्दा, आंख। ऑप्शन में एक टाइपिंग मिस्टेक है, ये मकान नहीं बल्कि कान है। कान, त्वचा, आंख जो होते हैं शरीर के बाहरी अंग है, गुर्दा अंदरूनी अंग है। सही जवाब है ऑप्शन सी। 95 नंबर क्वेश्चन है, सीमा जगदीश की बहू है, विष्णु की भाभी,
सीमा जो है जगदीश की बहू भी है और विष्णु की भाभी भी है। इसे इस प्रकार आप लिख सकते हैं, सीमा जो है विष्णु की कौन है, भाभी है, विष्णु के भाई की बीवी है, और जगदीश की कौन है, बहू है, यानी जगदीश के बेटा की पत्नी है। अर्जुन जगदीश का पुत्र है, अर्जुन जो है जगदीश का पुत्र है, यानी अर्जुन की पत्नी कौन हो गई, सीमा। अर्जुन और सीमा में रिलेशन पता करना है, पति पत्नी का रिलेशन है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का अर्थ है योग करना, सी का अर्थ है गुणा करना, एफ का अर्थ है घटाना, बी का अर्थ है भाग देना। तो इस समीकरण को सॉल्व कीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ए की जगह प्लस का चिन्ह, सी की जगह गुणा का चिन्ह, एफ की जगह माइनस का चिन्ह, बी की जगह भागा का चिन्ह बैठा देना है। आइए हम बैठा कर दिखाते हैं। तीन है, ए की जगह योग का चिन्ह बैठाना है, 8 हो गया। उसके बाद बी है, बी की जगह भाग का चिन्ह बैठाना है। उसके बाद 2 है, उसके बाद सी की जगह गुणा का चिन्ह बैठाना है। उसके बाद 4 है, एफ की जगह हम माइनस का चिन्ह बैठाएंगे, फिर 9 लिखेंगे। इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 प्लस 8 को 2 से भाग देंगे 4 आएगा, बाकी को हम सेम टू सेम उतार देते हैं। 3 अपनी जगह है, प्लस 4 चौका 16, -9, 16 3 19 होता है, -9, 19 में से 9 घटाएंगे तो 10 आएगा। सही जवाब आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है, डी बराबर 4 है तो DOG बराबर 26, यानी अल्फाबेट में डी का पोजीशन 4 होता है, ओ का 15 होता है, जी का 7 होता है, सबको जोड़ेंगे तो 26 आता है। यही काम LION में भी करना है। L का 12 आता है, I का 9, O का 15, N का 14। जब आप सभी को आपस में जोड़ेंगे तो आपको 5 4 9 9 18 2 20 के 0 हासिल, 2 3 2 5 यानी 50 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन सी में आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, यदि एन एम का भाई है, वाई एम की माँ है, जेड वाई का पिता है, ई जेड का पिता है, तो एन जेड का कौन है? इस तरह के प्रश्नों को आइए हम सॉल्व करते हैं। एन को जो है एम का भाई कहा गया है, वाई जो है एम की माँ है, जेड जो है वाई का पिता है, यानी जेड को वाई का पिता कहा गया है, ई ई जो है जेड का भी पिता है। एन का जेड से क्या रिलेशन है? एन जो है जेड से क्या रिलेशन है? जेड के बेटा का बेटा यानी पोता है, एन जो है लड़की है, इसलिए पोता ना होकर के पोती है। क्वेश्चन नंबर 100 है, रमेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी के पति की माँ की बेटी है, तो वो महिला का रमेश से क्या संबंध है? रमेश महिला को क्या कहता है कि मेरी पत्नी के पति की माँ यानी मेरी माँ की बेटी यानी मेरी बहन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कंप्लीट तैयारी के लिए, विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें 7631314948 पर। पाठ्यक्रम आधारित संपूर्ण अध्ययन सामग्री के माध्यम से कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे और राजकर्मी का सपना आपका पूरा हो पाएगा। दोस्तों इस सक्षमता परीक्षा के नोट्स और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को भी विजिट करें। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर अहमद को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।